करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। ठीक है, पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम बात करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, संवेग। संवेग क्या होता है ये समझना पड़ेगा। संवेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है ना, मोमेंटम को इससे पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी। एम का मतलब मास और वी का मतलब वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी यानी वेग होता है। ठीक है ना, और ये भार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, जैसा कि हमने कहा यहाँ पे कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, इसका जो संवेग होता है मास और वेलोसिटी, जो भार और वेग जो है उसमें परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, तो बल को यहाँ पे क्या कहेंगे, बल। यस फोर्स जो है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बल है लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। ठीक है ना, बल के समानुपातिक होती है, यानी कि एफ जो है वो क्या होगा, इस तरह समानुपातिक ये चिन्ह होता है, इक्वल टू एम वी। ठीक है ना, बल के समानुपातिक होगा ये। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर। और वैसे फोर्स का जो होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि इनमें कोई भी परिवर्तन होगा तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। समानुपातिक का मतलब होता है ये जो है प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें, हिंदी में इस तरह से हम समझ रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश में हम जैसे पढ़ेंगे, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कोई भी चेंज अगर होता है एम या वी में, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि एम का मतलब मास, अगर मास ज़्यादा होगा तो यहाँ फिर जो फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो एक किसी ऊंचाई से कोई रबड़ की बॉल है, बहुत हल्की है, रबड़ की बॉल है, हल्की बॉल है, अंदर से खोखली है, अगर उसको किसी के कोई नीचे बैठा है उसको ऊपर से एक मंजिल या दो मंजिल की छत से छोड़ दो, किसी के सिर पे गिरे तो उसको चोट नहीं लगेगी, रबड़ की हल्की बॉल होगी। तो समझना, तो वहाँ पे क्या है, उसका मास कम है। ठीक है ना, अब उसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं और वेलोसिटी वही आएगी, लेकिन क्या होगा अगर उसकी जगह पे एक ठोस पत्थर हो, पत्थर उसका मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो उसको चोट लग जाएगी, कि बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, पत्थर होगा उतनी बॉल जितना बड़ा ही, अगर एक पत्थर लेंगे तो चोट बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि क्या है कि मास वहाँ पर उसका जो वजन है वेट बढ़ जाएगा, मास। समझ में आ रहा, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी परिवर्तन हो रहा है, वही तो ये कह रहे हैं। देखो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा मोमेंटम में तो फोर्स में भी परिवर्तन होगा, फोर्स में भी अंतर आ जाएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में देखिए एक एग्जांपल बुक में ही दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बंदूक की जो गोली होती है बहुत हल्की होती है, अगर उसको आप सामने थोड़ी दूरी पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने हाथ से ऐसे करके अगर मारो तो कुछ भी नहीं होगा उससे ज़्यादा, थोड़ी चोट लग जाएगी, लोहे की होती है हल्की फुल्की, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली चोट लग जाए। ठीक है, लेकिन वही गोली अगर बंदूक में बंदूक से चलाते हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसका कारण क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका फोर्स भी बढ़ जाता है, यानी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स के, तो यही है यहाँ पे बता रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है फोर्स, जैसे बैलेंस फोर्स होगी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे ये
जैसे मार कर रहे, इधर से एक कोई व्यक्ति पकड़ के खींच रहा है एक इधर से, दोनों में बराबर ताकत हो तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर ही रहेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा यहाँ पकड़े हुए, एक बड़े व्यक्ति यहाँ पकड़ के खींचता है, तो जिसमें ज़्यादा ताकत होगी उधर खींच जाएगा ही। तो अनबैलेंस होनी चाहिए फोर्स, तभी कुछ अंतर पड़ता है। बैलेंस फोर्स में तो बैलेंस ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं, याद हो जाएगी। मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से अंतर पड़ता है। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो अभी अंतर पड़ेगा, मास बढ़ाएंगे तो अभी फोर्स पर अंतर पड़ेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, ठीक है।